हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कपिटारा में। दोस्तों, आज हम देखेंगे ध्वनि। ध्वनि से रिलेटेड पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लीजिएगा, उससे आगे के पार्ट इसमें हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप तक अभी तक आपने मेरा चैनल ज्ञान कपिटारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं दोस्तों, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। साम्यास्थिति, साम्यास्थिति क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी कण होता है वह एक निश्चित स्थिति में शुरू में होता है। जब हम उसको कंपन कराते हैं, यानी कि जब वो कंपित होता है, तो इसी माध्य स्थिति यानी इसी पोजीशन से वह ऊपर या नीचे या आगे या फिर पीछे जो है दोलन करता है। इस प्रकार से वह स्थिति उसकी साम्यास्थिति कहलाती है। उसके अलावा विस्थापन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है किसी क्षण यानी कि किसी भी एक निश्चित क्षण में साम्यावस्था से जो दूरी होती है वह वस्तु का विस्थापन कहलाता है। इसके अलावा अगर आयाम की बात करें तो यह विस्थापन ही है, लेकिन यह जो है मैक्सिमम विस्थापन है ऊपर या नीचे, यानी कि अपनी साम्यावस्था से दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित हो सकता है वही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। इसको हम चित्र से देख सकते हैं। ये इसमें देखिए, अगर मैं जो है विस्थापन की बात करूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने तक इतना विस्थापित हुआ है, लेकिन अगर आयाम एम्पलीट्यूड यानी ए की बात करूं तो ये पूरा जो हो गया ये हो गया, और ये एक जो है उसका मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वह उसका आयाम कहलाता है। आयाम को किससे शो किया है, ए से, एम्पलीट्यूड यानी कि ए हो गया आयाम। ये देखिए, ये जो स्थिति है, ये जो रेखा है वो उसके माध्य स्थिति को दर्शाती है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है या उसके विस्थापन को दर्शाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य मतलब किन्हीं भी दो निकटवर्ती श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। यानी कि हमने देखा है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, उन प्रकार के अगर श्रृंग व गर्त की बात करते हैं तो वह जो है अनुप्रस्थ तरंग हो गया, और अगर संपीड़न और विलयन की बात करते हैं तो वह अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। इस प्रकार से अगर अनुप्रस्थ तरंग हो तो दो श्रृंग व गर्त के बीच की दूरी या फिर दो संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी उसकी तरंग धैर्य कहलाती है। पिछले चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए तरंग धैर्य, इसको लैम्डा से शो किया गया है। ये हो गया एक श्रृंग एक गर्त, क्रमगत है, ये श्रृंग है ये गर्त है, इसके बीच की दूरी यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, तरंग धैर्य कहलाएगा, और इसको लैम्डा से शो किया हुआ है। ये देखिए गोला घेर दिया मैंने, ये हो गया इसका तरंग धैर्य। अगला है तरंग धैर्य जो है किसी भी तरंग के द्वारा तय की गई क्या होती है, एक न्यूनतम दूरी होती है जिसमें क्या होती है, ध्वनि तरंग की पुनरावृत्ति होती है। मतलब उसको दूरी करने के बाद फिर से वही जो है वो दोहराया जाएगा, वही पोजिशन आएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यह एक डिस्टेंस होता है, इसलिए इसका मात्रक किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। अगला है आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या होता है, किसी भी कण द्वारा एक सेकंड में किया गया कंपन जो है जितने कंपन है उसकी संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। अब आवृत्ति को किससे शो करते हैं, एन से या फिर एफ से, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से शो करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसलिए उसके नाम पर इसको हर्ट्ज कहा जाता है। तरंग की आवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। अब आवृत्ति स्थिर होती है यानी कि विभिन्न पदार्थों से अगर तरंग गुजर रहा है तो भी एन या फिर एफ इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है, देखिए एक हर्ट्ज इक्वल टू एक कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में किसी कण द्वारा किया गया कंपन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। एक किलो हर्ट्ज की बात करें तो वह 1000 हर्ट्ज के बराबर होती है। आगे बात करते हैं आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल क्या होता है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती संपीड़न या विरलन जो है एक स्थिर बिंदु से गुजरने में जितना भी समय लगाएगा, यानी कि एक संपीड़न हो गया ये, इसके बाद ये हो गया विलयन, दो निकटवर्ती संपीड़न एक स्थिर बिंदु से गुजरने में जितना समय लगाएगा। मान लो कोई बिंदु है, एक बिंदु है, यहाँ से गुजरने में ये संपीड़न ये विलयन जो है जितना समय लगाएगा वह उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्तकाल को किससे शो करते हैं, टी से, इंग्लिश के टी से इसको शो करते हैं, या सिंपल में आवर्तकाल उसे कह सकते हैं जो कंपन करने वाला एक कण जो है एक कंपन करने में जितना समय लगाएगा वह उसका आवर्तकाल कहलाएगा। और यह आवर्तकाल जो है आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टी इज इक्वल टू 1/n या सिंपली n इज इक्वल टू 1/t से इसे शो किया जाता है।
आवर्तकाल जो है आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। उसके अलावा है चाल, यानी कि एक सेकंड में चली गई दूरी ही उसकी चाल कहलाएगी, ध्वनि की चाल कहलाएगी। ध्वनि की चाल के सभी आवृत्तियाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ध्वनि की चाल की सभी आवृत्ति क्या होती है? बराबर होती है, और इसमें मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। अगर तरंग की चाल बोले तो आवृत्ति इंटू आवर्तकाल एन इंटू टी, वी से अगर सो करते हैं तो एन इंटू टी, ये क्या हो गया? तरंग की चाल हो गया। कला, कला की अगर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, तरंग संचरण में किसी भी क्षण में माध्यम के कणों की स्थिति, यानी कि कण की जो स्थिति रहेगी और गति को उस क्षण पर, यानी किसी एक निश्चित टाइम पे, निश्चित टाइम टी पे कर्ण की स्थिति, यानी कि उसकी जो पोजीशन है और उसकी जो गति है, यानी कि जो उसकी चाल है, वह ठीक है किसके द्वारा शो किया जाएगा? इसी कला के द्वारा शो किया जाएगा, या जिस पॉइंट के द्वारा शो किया जाता है वह कला कहलाता है। उसके अलावा ध्वनि के कुछ गुण है या ध्वनि के लक्षण बोल सकते हैं, तारत्व या पीच। तो तारत्व क्या होता है? ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या फिर पतला होने का पता चलता है। ध्वनि या तो मोटा होता है, ध्वनि या तो पतला होता है, या किसके कारण होता है? तारत्व के कारण, तारत्व या फिर पीच। जैसे कि पुरुषों की आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है, यानी कि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, यानी कि उसमें तारत्व क्या होता है? कम होता है। ध्यान दीजिएगा, तारत्व जो है ध्वनि के मोटे या पतले होने का जस्ट विपरीत होता है। तारत्व अधिक है तो उसका जो है आवाज़ पतली हो जाएगा, यानी महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, आवाज़ पतला होता है। पुरुषों का तारत्व कम होता है, आवाज़ मोटा होता है। देखिए, मोटी ध्वनि यानी कि निम्न तारत्व, पतली ध्वनि यानी कि उच्च तारत्व। ये हो गया तारत्व क्या होता है, हम जान लिए। उसके अलावा यह आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। आवृत्ति पर कैसे निर्भर करेगा? ध्वनि का तारत्व, यानी कि आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो वह उच्च तारत्व है, और आवृत्ति अगर कम है तो वह निम्न तारत्व है। ये देखिए, अधिक तारत्व वाली ध्वनि जो है आवृत्ति अधिक होगी, और कम तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति भी कम होगी। ये हम यहाँ देख सकते हैं, निम्न तारत्व वाली जो है ध्वनि तरंग किस प्रकार से है, और उच्च तारत्व वाली ध्वनि तरंग किस प्रकार से है, ये देख सकते हैं। ये विक्षोभ देखिए कम हो रहा है, बहुत ही दूर तक जा रहा है, इस प्रकार से इसका तारत्व क्या हो गया? निम्न हो गया, यानी कि यह आवाज़ क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए, तरंग का विक्षोभ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय तक के लिए हो रहा है, तो यह क्या हो गया? उच्च तारत्व के ध्वनि है, इसमें क्या हो जाएगा? आवाज़ पतली आएगी, यानी कि महिलाओं की आवाज़ जो है उच्च तारत्व वाली है, और पुरुषों की निम्न तारत्व वाली। उसके अलावा ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता क्या होता है? ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर ध्वनि का धीमा या फिर तेज सुनाई देना, यानी कि ध्वनि या तो धीमी सुनाई देती है या तो ध्वनि तेज सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं। यानी कि जब भी ध्वनि धीमी सुनाई देती होती है तो उसकी प्रबलता क्या कहते हैं? कम कहते हैं, और तेज सुनाई देती है तो उसकी प्रबलता को ज़्यादा कहते हैं। अगर आयाम की बात करते हैं तो अगर आयाम जब छोटे होते हैं तो ध्वनि धीमी होता है या फिर मृदु ध्वनि होता है, जबकि वही अगर आयाम बड़े हो जाएं तो ध्वनि तेज हो जाएगा और असहज हो जाएगा, या हमारे कानों को प्रिय नहीं लगेगा, कर्कश ध्वनि जिसको बोलते हैं। अगर आयाम ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी प्रबलता भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस प्रकार से यह कर्कश ध्वनि कहलाएगी। ये देखिए इसमें दिया हुआ है मृदु ध्वनि और ये प्रबल ध्वनि। मृदु ध्वनि में देखिए आयाम जो है कम है तो वह मृदु ध्वनि है, और आयाम जब ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस जो है उसी को आयाम बोलते हैं ना, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इतना दूरी तक डिस्प्लेस हो जा रहा है, ये ज़्यादा दूरी तक हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्कश ध्वनि। इसकी प्रबलता क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, इसकी प्रबलता कम हो गई। आगे बात करते हैं, मृदु ध्वनि का आयाम कम और प्रबल ध्वनि का आयाम ज़्यादा होगा, यह देख चुके हैं। ध्वनि की प्रबलता को किस मापते हैं? डेसिबल से। डेसिबल को कैसे शो करते हैं? डीबी से, स्मॉल डी स्मॉल बी डीबी, डेसिबल से। यह किस पर निर्भर करती है? हमारे कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है? हमारे कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बह रहा है तो उसके लिए प्रबलता क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए वह ध्वनि प्रबल हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, लेकिन बहरे के लिए उसकी प्रबलता हमेशा जीरो होगी।
इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वाट प्रति मीटर। इसका एसआई मात्रक लेते हैं वाट प्रति मीटर। अगला गुणता की बात करते हैं, तो गुणता क्या होता है, हमारे कानों के द्वारा हम जब विभिन्न वाद्य यंत्रों से जो आवाज़ सुनते हैं उसको हम क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब आवृत्ति तो उनका समान रहता है लेकिन उसके बावजूद भी हम ध्वनियों में अंतर बता सकते हैं कि कौन सी ध्वनि किस यंत्र का है और कौन सी ध्वनि किसी दूसरे यंत्र का है। मतलब जैसे देखिए, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, सारंगी हो गया, तीनों से समान आवृत्ति की ध्वनि अगर उत्पन्न हो तो भी हम उनके स्रोत का पता लगा सकते हैं कि कौन सा ध्वनि हारमोनियम का है, कौन सा सितार का और कौन सा सारंगी का। यही गुण जो है गुणता कहलाता है। ठीक है, अगर देखिए एक बात और है, एकल आवृत्ति की ध्वनि है, मतलब आवृत्ति सेम है तो वह टोन कहलाएगा, जबकि मिश्रित आवृत्ति वाली है तो वह स्वर कहलाएगा। स्वर को क्या कहते हैं, नोट कहते हैं, NOTE से दर्शाते हैं इसी को, NOTE, नोट। अगला तीव्रता की बात करते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा, यानी ध्वनि की ऊर्जा जो है एकांक क्षेत्रफल एरिया में प्रति सेकंड में जितना गुजरती है वह उसकी क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, वाट प्रति मीटर होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यह जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, यहाँ देखिए ए जो है एम्पलीट्यूड है, ये आई जो है इंटेंसिटी है यानी कि तीव्रता है, या ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आई तीव्रता, ये आयाम को शो करता है। नेक्स्ट, भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। देखिए किसी भी माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है और इसी विक्षोभ के कारण ध्वनि क्या कहलाती है, संचरित होती है, जो जिसे ध्वनि का वेग कहते हैं। अब ध्वनि की यह जो चाल है या वेग है वह माध्यम की जो है गुण पर यानी कि प्रत्यास्थता पर और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता को यहाँ ई से शो किया गया है और घनत्व को डी, डेंसिटी यानी डी, डेंस डी से शो किया गया है। तो इनके बीच कैसा रिलेशन होता है, रूट ई बाई डी। ध्वनि की वी, वी क्या है, वेग है, ई क्या है, प्रत्यास्थता है, और डी क्या है, घनत्व है। किसी भी माध्यम का घनत्व माध्यम की प्रत्यास्थता पर ध्वनि का वेग डिपेंड करता है, रूट ई बाई डी से इसको शो किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू देगा तीसरा वैल्यू पूछेगा, या तो वेग दे देगा प्रत्यास्थता पूछेगा घनत्व पूछेगा, या घनत्व दे देगा प्रत्यास्थता वेग पूछ सकता है इस प्रकार से, या क्वेश्चन पूछ सकता है, इस रिलेशन को ध्यान देना है। नेक्स्ट है ध्वनि के बारे में, यह बात करते हैं कि ध्वनि की चाल जो है गैसों की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक होता है, उससे कम किस में होता है, द्रव में, यानी कि ठोस में सर्वाधिक होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। और ध्वनि की चाल कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है ध्वनि की चाल। यह किस पर होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करते हैं तो 331 होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, यानी कि 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये देखिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 344, 331 नॉर्मल है। उसके अलावा ध्वनि की आवृत्ति हमेशा समान रहता है, यह बात भी ध्यान देना। उसके अलावा ध्वनि में तरंग दैर्ध्य और ध्वनि की चाल जो है परिवर्तित होती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो आवृत्ति तो समान रहेगा लेकिन तरंग दैर्ध्य और चाल जो है चेंज होते रहेंगे। यह पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि की आवृत्ति तो हमेशा समान रहेगी लेकिन तरंग दैर्ध्य और चाल में परिवर्तन हो जाएगा जब माध्यम में परिवर्तन होगा। उसके अलावा यह चार्ट दिया हुआ है जिस चार्ट में यह बताया गया है कि कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होगी। जैसे एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होता है, हमने बोला है एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होता है, देखिए 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद निकिल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच, इस प्रकार से घटते जाता है, ये घटते क्रम में दिया हुआ है। उसी प्रकार द्रव की बात करें तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 यानी कि सर्वाधिक होता है, उससे कम होता है अशुद्ध जल में, स्पष्ट हम देख सकते हैं उससे कम ये अशुद्ध जल में होता है, फिर इथेनॉल मिथेनॉल में। गैसों की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होता है 1284, और सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 में होता है, सबसे कम 213। तो देखिए इससे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि दिए गए मेटल जैसे लोहा दे दिया, कॉपर दे दिया,
एल्यूमिनियम दे दिया। दिए गए मेटल में किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक है, तो आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। ये देखिए एल्यूमिनियम सर्वाधिक है, फिर निकिल, फिर स्टील, फिर लोहा, फिर पीतल, फिर फ्लिंट कांच। इस प्रकार से द्रव की अगर बात करता है तो समुद्री जल में, गैस की अगर बात करता है तो हाइड्रोजन में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें सर्वाधिक है या किसमें सबसे कम है। तो यह जो है चार्ट ध्यान रखना है कि इस लाइन को याद रखना है कि पहले एल्यूमिनियम आएगा, निकिल आएगा, स्टील आएगा, लोहा आएगा, इस टाइप से जल आएगा, इथेनॉल आएगा, मेथनॉल आएगा या हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट करके यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है कि देखिए जब भी बारिश के दिनों में जब भी आकाश कड़कता है यानी बिजली चमकती है तो हमें जो है बिजली पहले दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना के आसपास होता है। यानी कि प्रकाश का प्रकाश का वेग जो है ज़्यादा होता है ध्वनि से। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाएगी, उसके बाद में कुछ समय बाद हमें क्या होगी, ध्वनि जो है सुनाई देगी। बाद में गड़गड़ाता है, पहले चमकता है, यही उसका रीज़न है। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ध्वनि की वेग पे कौन कौन से भौतिक राशि का क्या इफेक्ट पड़ेगा। दाब का प्रभाव, तो देखिए दोस्तों दाब यानी कि प्रेशर पी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर सामान्य ताप और जो है सामान्य ताप पर हो, ठीक है। ताप अगर समान हो तो ध्वनि पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि समान रहती है। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यानी कि ये देखिए वेलोसिटी यहाँ वी दिया हुआ है, ये परम ताप यानी कि टी हो गया, उसके रूट के जो है इक्वल हो गया। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ध्वनि का वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, गैसों की अगर बात करते हैं तो। अगला यही पॉइंट बोला है कि माध्यम का ताप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी, तो 1°C बढ़ा दें 10.6 मीटर प्रति सेकंड से यह चाल बढ़ जाती है। उसके अलावा वायु का इफेक्ट यानी कि वायु का प्रभाव बोलते हैं। अगर हवा चल रही है, देखिए हवा की दिशा में जो है ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात, हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जब कभी भी हवा चलता है रात के समय में आप देखिएगा तो दूर से आती हुई ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन हवा अगर रुकेगा या हवा विपरीत दिशा में चलेगा तो वह जो है हमें सुनाई नहीं देगा या कम सुनाई देगा। इस प्रकार से ध्वनि का वेग जो है प्रभावित करता है, वायु जो है ध्वनि के वेग को प्रभावित करता है, कम सुनाई देगा या ज़्यादा सुनाई देगा। आवृत्ति और तरंग धैर्य का प्रभाव, तो देखो गैसों में ध्वनि की चाल, आवृत्ति और तरंग धैर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत्ति हो गया, ये तरंग धैर्य हो गया। गैस की अगर बात करते हैं तो इस पे ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि भिन्न भिन्न आवृत्तियों में ध्वनि की तरंगें जो हैं वायु में समान चाल से चलेंगी, ठीक है। यानी कि आवृत्ति और तरंग धैर्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल सी है। उसके अलावा बात करते हैं ध्वनि तरंगों का परावर्तन। जैसे कि हम जानते हैं इको यानी कि गूंज, जिसको बोलते हैं गूंज, या अपनी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि क्यों होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण ही। और एक और बात याद रखना है कि ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन की तरह ही होता है, यानी कि उसी के गुण को फॉलो करता है। ये देखिए हम देख सकते हैं प्रकाश की भांति ही ध्वनि की तरंगों की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या ठोस या फिर द्रव की सतह से परावर्तित हो सकती है। या फिर सिंपल परिभाषा, ध्वनि का परावर्तन क्या है, किसी भी सतह से ध्वनि के टकरा करके वापस लौट जाना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाएगा। अगला प्रतिध्वनि की हम बात करते हैं, तो किसी भी विशेष विस्तृत यानी कि बड़े अवरोध जो है उससे ध्वनि टकरा कर जो है परावर्तित होता है और हमें फिर से सुनाई देता है, यही क्या होता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। फिर से ध्वनि सुनाई देगा हमें तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिध्वनि। इसमें याद रखने वाला बात क्या है, ये वाला पॉइंट, स्पष्ट सुनाई देने के लिए मूल ध्वनि यानी कि हमारे जो मुख से निकली हुई ध्वनि है और टकरा कर वापिस आने वाली ध्वनि है उसके बीच का समय का गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। 0.1 सेकंड तक का गैप है तो हमें प्रतिध्वनि स्पष्टतः सुनाई देगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें
मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समयांतराल कितना होना चाहिए? तो आंसर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। इस वजह से अगला पॉइंट है श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी। श्रोता और अवरोधक यानी जहाँ से टकरा के ध्वनि जो है रिटर्न होना है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह लगभग 17.5 मीटर के आसपास होता है, 17.5 मीटर यानी कि लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब जो है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। समयांतराल दशमलव जो है समयांतराल हमने बताया 0.1 सेकेंड और दूरी बताया 17 मीटर, ठीक है। इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, स्रोत से वस्तु की कितनी दूरी होनी चाहिए, VT/2, जहां V क्या है ध्वनि की चाल है और T क्या है समयांतर है, मतलब वापस आने में लगा समय है। VT/2 से इसको शो करते हैं दोनों के बीच की दूरी को। अगला बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो कान तक जो ध्वनि पहुंचता है वह असुविधा के स्तर तक पहुंच जाएगा, यानी कान को कर्कस लगने लगे तब वह ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण अगर लंबे समय तक हो तो क्या होगा, हमें बहुत ही नुकसान होगा। ये देखिए ये चार्ट बताया हुआ है जिसमें तीव्रता के स्तर को पूछता है कि कितनी तीव्रता तक को ध्वनि हमारी कान जो है सुन सकता है और कितनी तीव्रता तक को नहीं सुन सकता या किसमें हम बहरे हो सकते हैं। तो देखिए 32 हर्ट्ज सराते हैं तो 10 dB तक की होती है, फुसफुसाहट में 20, रेडियो में 40, शांत मोटर वाहन है तो 50, सामान्य बातचीत के लिए 65, ये इम्पॉर्टेंट है सामान्य बातचीत के लिए कितनी की होनी चाहिए तो 65, अगर भीड़ भाड़ वाला सड़क है तो 70 से 80, मोटर बाइक बहुत तेज चल रहा है तो 90, जेट इंजन का 105, तड़ित चालक यानी कि तड़ित यानी कि जो बिजली चमकती है आकाशीय बिजली उसका 120 होता है और जेट का उड़ते जेट का 150 होता है, यह जो है सबसे खतरनाक होता है उड़ता हुआ जेट 150 ध्वनि, ये जो कष्टकर ध्वनि है। ये देखिए 90 तक का हमारा कोलाहल बोला जाता है, 90 dB शोर को हम लोग कोलाहल बोलते हैं और 86 को जो है स्पष्ट सुनाई देने तक के लिए मैक्सिमम लेवल मानते हैं, मतलब 86 से कम होना चाहिए तो हमारे लिए सुग्राह्य होता है, 86 से बढ़ते जाता है तो वह हमारे लिए कोलाहल पूर्ण होता है, हम उसको ठीक से सुन नहीं सकते हैं या हमारे कानों के पर्दों को क्षति पहुंचती है। तो ये चार्ट हो गया, इसमें भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि ससराहट में 10 होगा, फुसफुसाहट में 20 होगा और सामान सड़क में चलें तो 80 के आसपास, इस प्रकार से क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि फुसफुसाते हैं या पत्ती सरसराती है तो कितना डीबी होता है, कितना तीव्रता होता है, यह सब। उसके अलावा बेड इफेक्ट तो हम सब जानते हैं कि कानों को बहुत ही क्षति पहुंचती है, अगर 86 से कम होना चाहिए, 86 से ऊपर है तो हम बहरे हो सकते हैं, यानी कि हमारे कान को जो है स्थायी क्षति पहुंचाती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, आँख की पुतली फैलने लगती है, चिड़चिड़ाहट और अशांति फैलने लगती है, उसके अलावा सिर दर्द उल्टी आदि की भी समस्या देखने को मिलती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के कैसे रोकेंगे, तो सड़कों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है ग्रीन मफलर क्या होता है, तो ग्रीन मफलर क्या होता है, सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगा देना ही जो है ग्रीन मफलर कराता है। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगा देने से क्या होता है, ध्वनि को ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार से ये जो पेड़ लगाए जाते हैं सड़क के दोनों किनारों पे उसे ग्रीन मफलर बोला जाता है। यह जो है ध्वनि को अवशोषित करने के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम करता है और वातावरण को ठंडा भी करता है, इसके बहुत से फायदे हैं वृक्षारोपण के। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, तो मानव पहुँच से यानी कि मानव बस्ती से जो है दूर में हमें क्या लगाना चाहिए, उद्योग वगैरह लगाने चाहिए, कारखाने जो भी हैं उसको दूर में लगाने चाहिए। उसके अलावा मशीनों के अच्छी तरह से मेंटेनेंस करना चाहिए, उनके पॉलिशिंग ग्रीसिंग पर समय समय पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आवाज़ कम करें और जो है अच्छे से चलें बिना आवाज़ किए ध्वनि प्रदूषण किए। उसके अलावा इंजन और मशीनों के डिजाइन को अच्छे से अच्छा करते जाना यानी कि उसे डेवलप करते जाना ताकि वो कम ध्वनि प्रदूषण करे। उसके अलावा लाउड स्पीकर एम्पलीफायर वगैरह के प्रयोग पर रोक लगा देना चाहिए यानी कि उसको कम से कम यूज़ करें। उसके अलावा पेड़ लगाना जैसे कि मैंने ग्रीन मफलर बोला ये हो गया। उसके अलावा अवशोषक पदार्थों का प्रयोग, ध्वनि अवशोषक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए।
इसका हमको बहुत ही अच्छा उदाहरण थिएटरों में देखने को मिलता है। जब हम पिक्चर वगैरह देखे जाते हैं, वहाँ के जो दीवार रहते हैं ना, वो जो है ऐसे सतह से बनाए जाते हैं जो एकदम ठोस नहीं होते हैं, एकदम ठोस नहीं होते हैं, यानी कि ध्वनि को क्या करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। हमें वहाँ इको नहीं दिखाई दे, इको नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वो ठोस सतह नहीं होता है। तो ये हो गया ध्वनि अवशोषक। उसके अलावा दस्तानों, रूई प्लगों का प्रयोग करना, कान में रूई प्लग वगैरह लगा के ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया ध्वनि से रिलेटेड कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।